दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। दशम पातशाही के छोटे साहेबजादों बाबा जोरावर और बाबा फतेह सिंह जी और माता गुजरी जी की याद को समर्पित वार्षिक धार्मिक समागम ऐतिहासिक गुरुद्वारा कोतवाली साहब एवं गुरुद्वारा शहीदगंज साहब में करवाया गया। इस धार्मिक समागम में सर्वप्रथम श्री अखंड पाठ साहब जी के भोगोपरांत पंथ प्रसिद्ध रागी तथा ढाडी जत्थों ने कीर्तन कर उपस्थित संगत को निहाल किया। तत्पश्चात गुरु का अटूट लंगर भी वितरित किया गया। इस अवसर पर लोकसभा सदस्य प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा, पूर्व कैबिनेट मंत्री बीबी सतवंत कौर संधु, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मोरिंडा की प्रधान बीबी मंजीत कौर वड़ैच, पूर्व विधायक जथेदार उजागर सिंह वडारी, हरदेव सिंह हरपालपुर, ब्लॉक समिति मोरिंडा की चेयरपर्सन बीबी मंजीत कौर धालीवाल, मार्केट कमेटी मोरिंडा के चेयरमैन जसविंदर सिंह छोटू, जथेदार हरपाल सिंह, जिला परिषद सदस्य जसबीर सिंह, जुझार सिंह, मेजर सिंह, बलबीर सिंह गिल सहित असंख्य संगत मौजूद थी। सब तो पहला तो मैं उन्होंने महान शहीदों बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी, माता गुजरी जी सिर चुका के उन्होंने महान शहादत शहादा से सत्कार पेश करता। यह वो धरती है जिस धरती से उन्हां महान शहीदों के चरण पए। यह धरती जिहड़ी धरती सानू समय के जावर जरवाणे हकूमतां दे विरुद्ध खून डोल के लड़न की जा सिखाउंदी है। यह वो धरती है जिहड़ी धरती सानू धर्म लई आपां वारन की जा सिखाउंदी है। साडा महान इतिहास है। इस इतिहास का जिक्र जिवें साडे पंथ कवि साहब बलबीर सिंह बल कर रहे थे। गुरु रूप प्यारे साध संगत जीओ, कलगीधर पातशाह दे दो साहबजादे और माता गुजरी जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी और माता गुजर कौर जी, जदों मरिंडे जदों सरेड़ी तो गंगू के घर तो इन्हां नूं रात नूं रखिया गया और उस तो बाद इन्हों इतें ही उतो चल के कोतवाली साहब लिजाया गया। गुरु साहबजाद माता गुजरी जी ने इतने रात जेल के बंद कर दिया गया। ये ऐसा स्थान है कोतवाली, उस कोतवाली का नाम श्री कोतवाली साहब पै गया।